यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, मैं आपको हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि अगर आपके हाथ में कोई ऐसी अजीब व गरीब लकीर हो तो ज़रूर उसके यानी फ़ोटो बनाकर हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर जो हमारा चल रहा है स्क्रीन पर, इस पर भेजें, हम उस टॉपिक पर बात भी करेंगे और उस टॉपिक के बारे में आगाही भी देंगे। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं जी हमारे हाथ में ये है या हमारे हाथ में वो है, ऐसा कुछ नहीं। जो चीज़ें हैं आप हमारी शुरू से वीडियो देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर आप शुरू से हमारी वीडियो को गौर से देखेंगे तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह अच्छे पामिस्टों में शुमार होंगे। कैसे होते हैं लीडरों के हाथ, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। अगर इस तरह की लकीरें आपके बेटे के हाथ में हैं या बेटी के हाथ में हैं या किसी दोस्त के हाथ में हैं, अजीज़ के हाथ में हैं, भाई के हाथ में हैं, तो ये समझें कि आने वाले वक्त में ये बहुत कामयाब लीडर साबित होंगे। इसकी तीन चार किस्में हैं और तीनों चारों किस्मों पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले देखें ये इनकी जो ज़िंदगी की लकीर होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये उभार जो ना ये काफ़ी उभरा होता है। इससे मुराद ये होती है कि ऐसे लोग बड़े जोशीले किस्म के लोग होते हैं और जहाँ पर जनी कदम जमा लें तो फिर कदम आगे ही बढ़ते हैं, बैग नहीं होते। उसके बाद इनके हाथ में जो दिमाग की लकीर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये और ये, यानी इस तरह से दिमाग की लकीर होती है हाथ में। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग वादा तो ज़रूर कर लेते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते। अब इसमें इनकी कोई मजबूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और ऐसा हो तो वो हो सकता है। हम ये नहीं कहते जिन्हें यही नहीं करना चाहते, हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो, इनके बस से बाहर की बात हो, इनके बस की बात ना हो तो ये होता है। उसके बाद जो इनके दिल की जो लकीर होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से कमज़ोर सी लकीर, जिन जोर से ज़्यादा एहसास होते हैं, ज़रा सी बात को दिल पे ले लेना, ज़रा सी बात में उलझ जाना, ज़रा सी बात में टेंशन में आ जाना, ये इनकी यानी एक सलाहियत होती है कि ये अपने आप को कंट्रोल करके चलाते हैं। फिर यहाँ अगर किसी के क्रास का निशान है, जैसे कि कुछ अरसा पहले किसी पामिस्ट ने कहा था कि जी नवाज शरीफ के हाथ में वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि वज़ीर आज़म बनने की लकीर नहीं है। वज़ीर आज़म की लकीर हाथ में होती भी नहीं, क्रास कामयाबी की लकीर होती है। इसी तरह के यानी स्टार आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में मौजूद हैं और इसी तरह का नवाज शरीफ साहब के भी हाथ में है, इमरान खान साहब के भी हाथ में है, बिलावल भुट्टो के हाथ में भी हो सकता है कि ये हो। लेकिन यहाँ पर जो ना दूसरा ये है, इस तरह की दो लकीरें, दो स्टार यानी हाथों में होना, इसका मतलब ये होता है शोहरत दौलत बेहिसाब मुकद्दर में होना, शोहरत भी और दौलत भी होना। और इसका मतलब ये है कि मेहनत और जस्तजू से और लंबा पीरियड गुजारने के बाद कोई कामयाबी हासिल करता है और ये अच्छी नीयत वाली कामयाबी होती है, ये गॉड गिफ्ट होती है। अगर ये कहें जी मैंने इसमें कोई कमाल दिखाया तो कमाल नहीं होता, ये गॉड गिफ्ट होती है, इस तरह की लकीर है। दूसरा यानी ये जो उभार होता है ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जोशीले, बहुत ज़्यादा जोशीले और जज्बात में आने वाले, जज्बाती और गुस्से वाले ये वो होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। अतिया ने सवाल किया लाहौर से कि मेरी एक शादी हुई तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और दूसरी शादी हुई तो तलाक हो गई, ये बताएं कि आने वाला वक्त मेरा कैसा और किस तरह का होगा। देखें जी, आपके हाथ में जो कामयाबी की लकीर है बहुत ज़्यादा उमदा और बहुत ज़्यादा अच्छी लकीर है, और आपके हाथ में सफ़र की भी बेशुमार लकीरें मौजूद हैं। आने वाला वक्त आपका अच्छा होगा, कोशिश करें नमाज की पाबंदी करें। ज़ैबुन्निसा ने सवाल किया गुजर खान से कि मैं बार मुल्क जाना चाहती हूँ और वहाँ सेटल होना चाहती हूँ, क्या मैं हो पाऊँगी या नहीं। बिल्कुल, आपके हाथ में ऐसी अलामत मौजूद है, ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो शाखों में बट रही है। ऐसे लोगों का कुछ वक्त एक मुल्क में गुजरता है और कुछ वक्त दूसरे मुल्क में, और आने वाला वक्त आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छा और बेहतर होगा और आप वहाँ सेटल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। समीना ने सवाल किया कराची से कि मैं बाहर मुल्क जाना चाहती हूँ और वहाँ सेटल होना चाहती हूँ। इससे पहले अकबर भाई जो आपने जवाब दिया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो सेम वैसा ही हुआ। अब ये बताएं कि मैं कौन से मंथ या कौन से साल में जाऊं जो मेरे लिए बेहतर हो। आप कोशिश कीजिएगा नया साल 2023 जो आएगा उसमें आप जाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब भी होंगे और वहाँ रहेंगे भी और हालात भी बेहतर होंगे। बहरहाल
कोशिश करें कोशिश करें, जितना ज़्यादा हो सकता है सूरह कौसर को पढ़ती रहा करें। एरा खान ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। आपकी शादी आपके हाथ की लकीरों के मुताबिक तो लव मैरिज होगी और शादी कामयाब होगी। और शादी कब होगी, नए साल के दूसरे और तीसरे माह में शादी होने के चांस हैं। उमा शहजाद ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि मेरी शौहर के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, सिलसिला चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा। देखें जी, आपके हाथ में शादी की तीन लकीरें मौजूद हैं और ये मामला आज नहीं मुझे चलता हुआ नज़र नहीं आता और आगे भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। उसके लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़ा करें, अल्लाह ताला आप पर रहम करेगा और आपकी मुश्किलों को आसान करेगा। आप अपने तबीयत और मिजाज को थोड़ा बदलने की कोशिश करें तो आपके हक़ में बेहतर होगा। नादिया ने सवाल किया हैदराबाद से कि मैंने किसी पामिस्ट को हाथ दिखाया था तो उसने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले वक्त में बेहिसाब मुश्किलें हैं और तुम्हारी ज़िंदगी भी कम है और सुख का सांस लेती हुई मुझे नज़र नहीं आती। देखें जो हो सकता है वो पामिस्ट ने जो बताया उस वक़्त लकीरें आपकी उस तरह की हों, लेकिन मौजूदा वक़्त में जो आपकी लकीरें हैं बहुत अच्छी हैं और आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी भी लंबी है। बहरहाल कोशिश करें कि सूरह इखलास जो है उसको पाबंदी से पढ़ती रहा करें, दो तस्बीह एक तस्बीह। इंशाल्लाह आपके हालात बहुत अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा और बहुत बेहतर होगा। मोहम्मद अफजल ने सवाल किया खानपुर से कि मेरी बीवी जो है ना काफ़ी टाइम से रूठ कर गई हुई है और क्या वापस आने के कोई चांस हैं या नहीं। वापस आने के चांस तो नज़र नहीं आते, बहरहाल आपके हाथ में शादी की दो लकीरें नज़र आती हैं, दूसरी शादी की अलामत आपके हाथ में है और हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी दूसरी शादी और ये शादी कामयाब रहे इंशाल्लाह। मेरा निशा ने सवाल किया है साईवाल से कि मेरी फ़र्स्ट मैरिज जो होगी क्या वो कामयाब रहेगी या कोई प्रॉब्लम उसमें नज़र आ रही है। देखें जी, आपके हाथ में जो शादी की लकीर है ये टूट रही है, फिर चल रही है, फिर टूट रही है, फिर चल रही है। इसका मतलब ये है कि शादी होगी और उसमें प्रॉब्लम मसाइल आएंगे लेकिन सिलसिले चलते रहेंगे और दूसरी शादी की कोई अलामत नज़र नहीं आती। मोहम्मद शोएब ने सवाल किया है सऊदी अरब से कि मेरा मुस्तकबिल कब ठीक होगा और आखिरी वक्त कैसा गुजरेगा। आखिरी वक्त भी अच्छा होगा और आपका आने वाला वक्त भी इंशाल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। और इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।